बॉलीवुड कॉकटेल। अक्षय कुमार और विवेक ओबराय की पॉपुलैरिटी के बाद साउथ में अजय देवगन भी अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। एक लीडिंग डेली पोर्टल की माने तो ये रिवील किया गया है कि सिंगम और गोलमाल के एक्टर अजय देवगन डायरेक्टर शंकर की अपकमिंग फिल्म इंडियन 2 से तमिल सिनेमा में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं, जिसमें उनके ऑपोजिट दिखेंगे विश्वरूपम एक्टर कमल हासन। इसके पहले अजय अपनी मोस्ट अवेटेड तमिल फिल्म 2.0 से आजकल न्यूज में काफी वायरल भी हो रहे हैं, जो अब तक की हाईएस्ट बजट फिल्म बताई जा रही है। सरप्राइजिंगली शंकर ने ही 2.0 को भी डायरेक्ट किया है और लगता है शायद इसी रीजन से शंकर को अजय काफी पसंद आ गए हैं और इस टैलेंटेड डायरेक्टर ने उन्हें अपने डेब्यू के लिए फर्स्ट परफॉर्मेंस के लिए भी मना लिया है। अगर इंडियन 2 की बात करें तो ये अपकमिंग प्रोजेक्ट 1996 ब्लॉकबस्टर फिल्म इंडियन के सीक्वल पर बेस्ड होगा। उसमें कमल हासन और मनीषा कोइराला लीड रोल में नजर आए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म में 49 ईयर ओल्ड अजय 2.0 के अक्षय की तरह ही विलन का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसे तो यही पता चलता है कि अजय आजकल कुछ ज्यादा ही अक्षय कुमार के फुटस्टेप फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, जो होपफुली उनके करियर का एक अच्छा डिसीजन होगा। और विवेक ओबराय की तरह तमिल ऑडियंस भी अजय को उतना ही प्यार और सपोर्ट देगी। फिलहाल फिल्म मेकर और अजय की तरफ से इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, बट इफ एवरीथिंग गोज वेल इंडियन 2 ईयर के एंड तक रिलीज भी हो सकती है। मीनवाइल बॉलीवुड में अजय अपने मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट तानाजी के प्रोजेक्ट में काफी काम करते और बिजी नजर आ रहे हैं, जो वर्ल्ड वाइड 2019 में रिलीज होगी। सुनने में ये भी आया है कि एक्टर कॉमेडी फिल्म टोटल धमाल और प्यार का पंचनामा के डायरेक्टर लव रंजन की नेक्स्ट अनटाइटल फिल्म में भी नजर आ सकते हैं। वेल, अजय को साउथ की फिल्मों में आता देखना रियली इंटरेस्टिंग होगा और नॉर्थ फिल्मों का साउथ के साथ ये फ्यूजन भी काफी प्रेज करने लायक है। स्टे ट्यून्ड। दिस इज ऑल फ्रॉम मिस कॉकटेल फॉर नाउ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल टू हैव एवरी सिप ऑफ बॉलीवुड कॉकटेल।